वेलकम टू टुडे जो हम करा रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूँ सपना, बात कर रहे हैं धूम की। धूम ने अपने 16 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर हम आपको धूम की कहानी बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसे बनाया विजय कृष्ण आचार्य ने है, जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन फिल्में बनाई है। वहीं आपको बता दें कि इसका निर्देशन जो है, इस फिल्म के लेखक और निर्देशन दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब फ्रेंचाइजीज में एक मानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा एक्शन, बहुत ही ज़्यादा रफ्तार, बहुत ही ज़्यादा स्टंट वाली इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। इस फिल्म को विक्टर नाम दिया गया था और ये कहना था कि उनकी उपलब्धियों ने उन्हें बेहद विनम्र और एहसानमंद बना दिया है। आपको बता दें कि फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा खुद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे जब फिल्म को ऑडियंस के द्वारा इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म ने पूरे विश्व में बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी और आपको बता दें कि इस फ्रेंचाइजीज की और भी कई फिल्में सामने आई। इन फिल्मों में धूम, धूम टू, धूम थ्री का नाम जो है वो सामने आया और आपको बता दें कि ये तीनों ही फिल्में दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और यही वजह है कि धूम की नेक्स्ट फिल्म का इंतजार दर्शक बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। आपको बता दें कि वो बताते हैं कि हम स्क्रिप्ट पर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होगी, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली नहीं ली जा रही थी और यही वजह है कि शायद युवा को इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आपको धूम फ्रेंचाइजीज की फिल्में कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।